सो हाय मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम टू माय चैनल क्लब गेमर। आज हम खेलने वाले हैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का फर्स्ट पार्ट, और ये मिशन है थैनोस को रोकना, क्योंकि आपको पता ही होगा कि थैनोस जो है, आपने अगर मूवी देखी होगी तो वहाँ पे इन्फिनिटी वॉर में वो अलग अलग प्लैनेट्स में जाता है और वहाँ पे आधी आधी आबादी को ख़त्म कर देता है, और कुछ ना कुछ मतलब उसको चाहिए होता है सोर्स, तो इस वजह से वो हमला करता है कि ताकि वो पूरे जो है गैलेक्सी में अपना वर्चस्व या कह सकते हैं कि अपना राज स्थापित कर सके और पूरे गैलेक्सी में सबसे पावरफुल बन सके। तो इसलिए वो कुछ कुछ आर्टिफैक्ट्स मतलब ऐसे होते हैं कि मतलब बहुत पावर होती है उसमें। तो यहाँ पे जो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का काम क्या है कि ऐसी चीज़ों को होने से रोकना, अगर कोई प्रॉब्लम्स में, कोई मुसीबत में, तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट यहाँ पे कर सकते हैं कोई भी एक सैटेलाइट के थ्रू, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो भी जाते हैं उनकी शिप में, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए चलते हैं पहले मिशन पे थैनोस को रोकने, क्योंकि ये काफ़ी मजा आने वाला है, क्योंकि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी सभी को मतलब ये जो मूवी है काफ़ी सही थी, और देख सकते हैं स्टार लॉर्ड अपने धुन पे नाचते हुए, डांस करते हुए, जिंदगी का मजा लेते हुए। अभी हल्के में ले रहा है, पर बाद में पता चलेगा कि थैनोस क्या चीज़ है। और हमें यहाँ पे कुछ चॉइसेस करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि टेलीटेल जो सीरीज़ है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे जो हैं गेम्स को लॉन्च किया है। एक्चुअली जो गेम्स बनाती कंपनी है वो है स्क्वायर एनिक्स कंपनी है, आपको पता ही होगा मार्वल एवेंजर्स जो काफ़ी पॉपुलर हिट गई थी, इस साल रिलीज हुई थी मार्वल एवेंजर्स, और काफ़ी सारे गेम्स हैं, लाइफ इज स्ट्रेंज के जितने भी पार्ट्स हैं, और इस साल रिलीज हुई थी लाइफ इज स्ट्रेंज 2 ट्रू कलर्स करके, 2 नहीं एक्चुअल में 3 है, क्योंकि 2 में एक दूसरा एपिसोड है जिसमें उसका भाई है वो होता है। ये देख सकते हैं गमोरा आ गई, इट्स लाइक डेथ आउट देयर, बिजनेस इज यूजुअल, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। गमोरा तो भाई सही लग रहा है, एकदम मस्त। ओ भाई साहब, पूरा शिप हिला दिया भाई, थैनोस इनके शिप में हमला कर रहा है, देख सकते हैं आप, ये पूरे प्लैनेट पे राज करना चाहता है। यहाँ पे मूवमेंट बनता हुआ है, ये आ गया भाई पीछे रॉकेट ना। ओ भाई साहब, इसका नाम क्विल है, और इसको वैसे सब बोलते हैं रॉकेट, और ये क्रैकून है, देख सकते हैं ग्रूट भी आ गया भाई, ग्रूट भी आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रूट इतना बड़ा है, अपने उसको अलग अलग शेप्स में देखा होगा, कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, तो इसकी आँख को हम ठंडा कर देते हैं अभी स्प्रे करके। ग्रूट वो बात नहीं कर सकता, बस वो बोलता है कि आई एम ग्रूट, इतना बोलता है बस। देख सकते हैं थैनोस की जो इतने भी चमचे वो शिप से अपने जो है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की शिप में हमला कर रहा है। ओ भाई साहब, ड्रैक्स को देखो, ड्रैक्स कितना सही लग रहा है। एक्चुअली मूवी में इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, मतलब थोड़ा टेक्सचर वैसा होता ना उसका, लाल लाल थोड़ा, बट इसमें देख सकते हैं इसमें इसको ग्रीन कर दिया पूरा, और चारों तरफ एक रेड कलर का, एक जैसे टाइगर के शरीर में होता है धारिया वैसे डिजाइन में बनाया हुआ। वो भाई साहब पीछे देख सकते हैं थैनोस का शिप है ये, अब तो ये गए, अब पूरा एक्टिवेट कर देंगे ये लोग वार मोड, बहुत तेज चलना पड़ेगा हमें इनसे थैनोस से पीछे छोड़ाने कैसे भी करके। अगर शिप डिस्ट्रॉय होगा तो फिर वैसे ही सब स्पेस में बिखर जाएंगे, और फिर सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। चलिए इसको हमने स्पीड बूस्ट कर दिया, रॉकेट भी बूस्ट करते हुए यहाँ पे। ओ भाई साहब तो ज़्यादा ही स्पीड है, मिसाइल लग गया एक, थोड़ा
थोड़ा इफेक्ट दिखाने के लिए कि क्रैश होने वाला है, मतलब प्लेन देख सकते हैं और पीछे ही देख सकते हैं थैनोस का शिप आ रहा है। और गाइस देख सकते हैं यहाँ से शुरू होता है मार्वल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी द टेलीटेल सीरीज। टेलीटेल एक ब्रांड है और उन्हें बैटमैन और लाइफ इज स्ट्रेंज काफ़ी सारे गेम्स ऐसे स्टोरी टाइप गेम्स बनाए हैं, बदरलैंड्स करके भी है, तो काफ़ी सही गेम बनाते हैं यार, मज़ा आ जाता है ग्राफिक्स देख के। इनमें एक्शन भी भरे होते हैं और स्टोरी टाइप चलता रहता है सारा कुछ। देख सकते हैं कि अभी प्लेन क्रैश हो चुका है और अभी ये लोग इजेक्ट करेंगे और फिर नीचे गिरेंगे सीधा। प्लेन एक्चुअली उल्टा हो चुका है, देख सकते हैं सब उल्टे लटके हुए हैं। अब सीट बेल्ट खोल के अभी सब सीधे हो रहे हैं, हम भी खोल लेते अपना सीट बेल्ट और ये गया नीचे। कुछ एक वार्निंग की तरह यहाँ पे एक सायरन बज रहा है, तो अभी हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी रॉकेट की, क्विल जो है रॉकेट, इसको क्विल भी बोलते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे ये पकड़ने पड़ा क्योंकि इसकी हाइट काफी कम है, तो इससे थोड़ी मजाक किया जाए, थोड़ा सा चलता है दोस्ती यारी में। तो ये गन उतार रहा था कि हमें अगर अपने जर्नी में काफ़ी मदद करेगा ये गन। ये गन पता नहीं उन्होंने शायद चुराई होगी कहीं से, किसी मार्केट किसी शॉप से, आपने देखा ही होगा कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में ज़्यादातर ही लोग मतलब ये लोग धोखा देते हैं और चीज़ें चुराते हैं बेशकीमती, मतलब वेपन्स वगैरह ये सब चीज़ें, या तो लूट के चुराते हैं उनको, मार के चुराते हैं, या मतलब उनको डिफीट करके चुराते हैं। डिफीट मतलब वो हराना, मतलब मारते नहीं है, डिफीट कर देते हैं और फिर मतलब गन देने पे मजबूर कर देते हैं, मतलब वो बेशकीमती चीज। तो वैसे ही क्या पता ये वाली जो गन है हाइपर बीम वाली, इन्होंने कहीं से चुराई होगी या कहीं से कोई वॉर जीत के, मतलब कोई The mad titan arrives. लव धोखा देके भी कर सकते हैं ये सब ऐसी चीजें, धोखा देके गन चुरा ली। देख सकते हैं थैनोस का शिप जा रहा है आगे की तरफ, तो स्टार लॉर्ड भी कह रहा है कि अब देखिए स्टार लॉर्ड कहेगा हमारे पास गन है, सब कुछ है, तो चलिए थैनोस को मारने चलते हैं। कॉन्फिडेंस देखिए भाई, मैं एक चीज देख के हैरान हूँ कि भाई गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की कॉन्फिडेंस सबसे बेहतर है, क्योंकि जब एंड गेम में भी आपने देखा था, एंड गेम में भाई थैनोस को लगभग हरा ही चुके थे। थैनोस अगर थोड़ा और होल्ड कर सकते थे ना वो, मतलब जो जिसके सर पे दो लाइट जलती है, उसका नाम नहीं पता उस कैरेक्टर का, बट अगर वो थोड़ा सा तो और होल्ड कर लेती तो थैनोस तो पूरा डिफीट ही था, मतलब उसके हाथ से जो गॉन्टलेट है वो निकाल ही रहते स्पाइडरमैन वगैरह खींच खींच के। Door is not gonna budge so easily. Yeah, it will. अभी यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम एक गुफा में आया, शायद एक गुफा है या कोई एक आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट ऐसा कुछ होगा, या कोई टॉम हो सकता है, इसको टॉम ही बोलेंगे, मंदिर की तरह लग रहा है देखने में वैसे, तो टॉम में आया देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें मिलेगा थैनोस, क्योंकि थैनोस को चुराने के लिए आया यहाँ पे, कोई पावरफुल आर्टिफैक्ट हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ जिसमें कोई पावर छुपी हो जिससे वो दुनिया में राज कर सके, और उसे ही हमें रोकना है थैनोस को। तो अब ये कोशिश कर रहा है जो है गेट को खोलने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं सारे डिसीजन जो है जो मेरा जो कैरेक्टर है स्टार लॉर्ड लेता है और सबको कमांड देता है कि कैसे किसको कैसे हराना है। देख सकते हैं इसका हेलमेट कितना मस्त लग रहा है, ओ भाई साहब अब तो बूस्टर भी ऑन कर दिया इसने, फ्लाइंग बूस्टर, आयरन मैन की तरह पूरा एकदम। देख सकते हैं लैंड होते हुए और अंदर की साइड
अब हम चलेंगे यहाँ से, एंट्री लेंगे, बट काफ़ी रिस्की है तो थोड़ा आराम से चलेंगे कि कहीं दब के मर ना जाऊँ, तो इस वजह से थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ेगा हमें, अपनी गति को धीमे करते हुए आगे की साइड बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पे, देख सकते काफ़ी स्पेसशिप क्रैश हो चुके हैं, एकदम से डिस्ट्रॉयड है। पता नहीं ये स्पेसशिप आए कहाँ से, क्योंकि पूरा तो चारों तरफ तो बंद है, मे बी शायद क्रैश हो गया होगा यहाँ पे। हमें साइड में चलना है, ये गिरने वाला होता है। ओ भाई बच गया, कैसे भी करके बचा, ये बाल बाल बचा कैसे भी करके। अचानक से मतलब आया वो वहाँ से पीछे से पत्थर गिरने, मतलब गिरते ही काफ़ी लेट देखा ना एक्चुअल में, और फिर संभलने का मौका भी नहीं मिला, तो इस वजह से। अब वो पूछ रही है कमोरा कि क्या हो गया, तो वो कह रहा है कि मैं वहाँ से गिर गया और मेरे जो स्पाइन में लगी है वो। भाई साहब देख सकते हैं क्या ये कोई स्पेसशिप, कोई यान या ऐसा कुछ हो सकता है, एलियन टेक्नोलॉजी। थैनोस ने यहाँ पे सबको मार दिया, देख सकते हैं जो भी सिपाही थे, जो इस प्लेनेट के जो सिपाही हैं, देख सकते हैं जो रक्षा कर रहे थे उस आर्टिफैक्ट का, थैनोस आया था यहाँ पर सबको मारते हुए, वो आगे की तरफ बढ़ चुका है। तो कैसे भी करके हर हाल में अब थैनोस को रोकना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि भाई ये एवेंजर गेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब गैलेक्सी ऑफ द गार्डियन है, 5 टीम है, कमोरा, रॉकेट, रैक और ग्रूट, 5 जने हैं जिनसे थैनोस को लड़ना है। और थैनोस काफ़ी पावरफुल है आपको पता ही होगा, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने मूवीज़ वगैरह में भी देख लिया होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने देखा कि काफ़ी फेमस सीरीज बनी थी जो लास्ट पार्ट थी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम, तो काफ़ी सही मूवी लगी, एक्शन एंड एडवेंचर से भरा हुआ, मतलब परफेक्ट मूवी थी सुपर हीरोज की। I am officially creeped out. और काफ़ी पैसे भी कमाए, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी बिलियन डॉलर्स खर्च भी किए हैं, फिर एक्स्ट्रा मतलब कमाए भी हैं, तो ऐसे ही चलता भी प्रोडक्शन हाउस। और चलिए प्रोडक्शन के बारे में बाद में बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कंट्रोल है जो टूट चुका है, तो इसको पहले फिक्स करना है, तब जाके कुछ हो सकता है हमारा। ये शायद मे बी शायद कोई लिफ्ट हो सकती है जो ज़मीन के नीचे की तरफ जाए, तो अभी हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ ढूंढना है कि मतलब ये क्या चीज़ है, लाल लाल फंगस पड़ा हुआ है चारों तरफ, देख सकते हैं रेड कलर में टमाटर लग रहा है भाई, तो मुझे टमाटर की खेती हो रखी है यहाँ पे। थैनोस ने तो नहीं किया, थैनोस वैसे एग्रीकल्चर और मतलब फार्मिंग करने में एक्सपर्ट है थैनोस, आपने अगर मूवी देखा होगा तो आपको पता होगा, एंड गेम में दिखाते हैं जब वो मारने जाते हैं, तो गार्डनिंग काफ़ी सही करता है। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे टमाटर की खेती हुई है। एनीवेज टमाटर बाद में देखते हैं, अभी तो हमें कैसे इस गेट को खोला जाए ताकि अपने जो जितने भी टीम के मेंबर्स हैं गमोरा वगैरह वो अंदर आ सके, क्योंकि हम तो अंदर आ गए हैं बट वो नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे पास ही था वो जो बूस्टर जो भी है, फ्लाइंग बूस्टर आयरन मैन जैसा जो है, वो लिफ्ट करके अंदर घुस गया, बट वो लोग नीचे ही हैं, देख सकते हैं ये वाली चीज़ें मैं बता रहा था अभी, ये होते हैं फ्लाइंग बूस्टर्स, फ्लाइंग शूज़ या तो फ्लाइंग बूस्टर आप बोल सकते हैं। तो अभी हमें ढूंढना है कि कैसे क्या करना है, तो अभी प्लानिंग करनी है थोड़ी, अभी हमें काफ़ी कुछ मतलब इसमें पज़ल टाइप बहुत कुछ है, मतलब इस वाले गेम में ना, मतलब पज़ल पहले सॉल्व करना है तभी जाके आप मिशन की तरफ आगे बढ़ सकते हो, वरना आप बढ़ ही नहीं सकते, आप ढूंढते रह जाओगे, जैसा हर गेम में होता है, जैसे टॉम रेडर खेलते हैं वहाँ पे भी पज़ल टाइप है, फिर मार्वल एवेंजर्स में भी थोड़ा बहुत होता है, मतलब पज़ल तो होता ही है, दिमाग लगाना पड़ता है बहुत आगे मतलब नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए। GTA में भी होता है ऐसे थोड़ा, मतलब प्लानिंग के साथ हमें हर मिशन कम्प्लीट करना होता है। एनीवेज गाइस, मैंने काफ़ी बातें कर ली है आपसे, तो ज़्यादा कमेंटेटरी ना करते हुए गाइस, प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कि काफ़ी जल्दी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी। तो मैंने वैसे भी आपको बता दिया कि क्राइटेरिया क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप इस गिव अवे में एंटर हो जाओगे और फिर हम बनाएंगे कस्टम रूम और खेलेंगे हम अभी नया पबजी मोबाइल टू स्टेट्स, या टू स्टेट्स तो नहीं है, पबजी मोबाइल स्टेट ही है वो,
एक्चुअल में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया मूवी वगैरह में, क्योंकि मूवी भी निकली थी चेतन भगत की निकली थी ना टू स्टेट्स, जिसमें अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट थे, तो थोड़ा वैसे कन्फ्यूज हो गया। तो पबजी मोबाइल स्टेट्स ऐसे भी कुछ है, वो न्यू स्टेट्स, अच्छा न्यू स्टेट्स है वो पबजी मोबाइल न्यू स्टेट्स है। तो फिर हम कस्टम रूम बना के वो वाला मैच खेलने की कोशिश करेंगे, वो काफ़ी बेहतरीन ग्राफिक्स है बट थोड़ा बहुत लैग है, तो अभी तो बस टेस्टिंग में ही है वो चीज़। तो आशा करूँगा कि आगे क्राफ्टन थोड़ा इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, और हैकर्स के लिए थोड़ा और ध्यान देगा कि मतलब इसको कोई हैक ही ना कर पाए इसके सर्वर को, इसके आईपी को। तो काफ़ी फिर सही गेम रहेगा सबके लिए, लॉयल्टी के साथ सब खेलेंगे, क्योंकि बीजीएमआई तो ज़्यादातर लोगों ने खेलना छोड़ दिया है हैकर्स की वजह से, क्योंकि बैन नहीं हो रहे और बीजीएमआई को एक घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस वजह से भी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस एंजॉय दिस गेम ऑफ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी पार्ट 1 थैनोस फाइट। देख सकते हैं ये था थैनोस, इसको एक मतलब क्या बोलते हैं एआर विजन इसके पास है इसके हेलमेट में, तो वो देख सकता है कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या घटना घटी है पास्ट में जाके। तो इसके हेलमेट में काफ़ी सारी खूबियाँ हैं, देख सकते हैं आप स्टार लॉर्ड के। तो चलिए कमेंटेटर ज़्यादा ना करते हुए आप बस इन्जॉय कीजिए गार्डन ऑफ द गैलेक्सी पार्ट 1 थैनोस फाइट। इसका मिशन का नाम मैं यही रखूँगा थैनोस फाइट, क्योंकि हमें मिशन यही आया था कि थैनोस को कैसे भी उस आर्टिफैक्ट को कलेक्ट करने से रोकना है जो इस टेंपल में कहीं पे छुपा हुआ है, और थैनोस हमसे पहले पहुँच चुका है, तो थैनोस को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसके हाथ में वो चीज़ वो पावर सोर्स लग गया तो काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। तो देख सकते हैं अभी ये सब जो है अपने हेलमेट से पास्ट में जाके सारी चीज़ें देख रहा है कि कैसे कहाँ पे क्या चीज़ें मिलेगी। तो ये काफ़ी सही है इसका हेलमेट, तो जो सब कुछ बता देता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। तो चलता हूँ गाइस, आप इंजॉय कीजिए, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। You guys still out there? Affirmative, Star-Lord. Surprise! Why should I be surprised? Booyah! Yes, that was surprising. This is a Kree temple. They are a technologically advanced species, strong of body, powerful of military. What is Thanos even doing here? What does he want with this place? Guess we'll find out. I know one thing for certain. I gotta get this thing working or we're all dead. I'm almost done tinkering. Promise. Just a little more calibrating and this baby'll sing. And by sing, I mean put a death-size hole in someone. We're counting on you, Rocket. Nothing inspires the creative soul like intense pressure, right? Hey, I think this can take us down. If the controls aren't too damaged. Eh, no big deal, Gams. I can undamage them. I am Groot. And Groot says he's worried we bit off more than we can chew. Why don't you relax, you big wooden baby? We're just going deeper into the old creepy temple. To stop a literal murderizing machine. Get it together, Groot. Grow some thicker bark or something. I am Groot. Groot says he'll try.
There. Good as new. The time has come. Either Thanos falls, or we do. On my planet, before a great battle, our fearless leader would rally the troops with his words. Guys, I'm only gonna say this once today. Let's go be heroes. Okay, somebody say something. This is very, very uncomfortable. I am Groot. Good one, pal. No, 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 no! Your suffering is ended. You're gonna answer for their deaths. No, I won't. You are mistaken, Guardian. Now that I have this, I shall roll through the galaxy like a great wave, crushing the bones of every inhabitant and the civilizations of every planet I pass. Oh, let me guess. It's an ancient superweapon, or something. The Eternity Forge. Called it! Daughter, you have aligned yourself with such pathetic creatures. I was never your daughter. Then you will die an adversary. Oh, can't we talk about this? You know, discuss your feelings, figure out why you're so angry. You speak like a petulant child. Show me how you die. My turn. This is for my wife and daughter. Were the ungrateful one. You're right. Thanks for training me to kill. I'll put it to good use. Distraction!
I know! Gun! I know! You took everything from me! I removed your weakness. I gave you purpose. Thanos! No way. That's what you get, punk! Thanos is dead! About friggin' time! Tired of looking at that wrinkly chin of his.
Guess this relic is useless. Huh. But this gun wasn't! Who dead? You dead! Rocket, you quit it! Dead? Yes! Stop it, both of you! Enough! We are victorious. The biggest terror the galaxy has ever known is no more. I am Groot! I never thought this would happen. Yeah! What do we do now?